So first of all, we will discuss polluters. Last exam में आया था polluter page principle. यही same सवाल आया था. Polluter page principle को समझने, आप जानते हैं pollution के बारे में already. That the pollution is the introduction of any contaminants into the natural environment. That causes adverse changes. ठीक है, तो आप का सामान अगर कोई तोड़ देता है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई व्यक्ति सड़क पर से जा रहा है और उसे कोई एक्सीडेंट करके उसके गाड़ी में अगर कुछ टूट फूट हो जाती है तो वो उससे लड़ेगा, बोलेगा मेरा जाना भरो, खर्चा भरो. तो ये प्रिंसिपल बेसिकली यही है कि जो पॉल्यूट करते हैं, जो पॉल्यूशन कर रहे हैं, उन्हीं से हर्जाना वसूला जाए, उन्हीं से उसका उस पॉल्यूशन की भरपाई की जाए. क्या करूं मैं बताओ, ये किसी का वीडियो ऑन है फिर, और ये मुझे लिखने नहीं दे रहा है, अभी फिर ऑफ हुआ. पॉल्यूटर पेज व्हाट इट सेज कि जो जिसने नुकसान की है उसी से भरपाई ली है. देखिए, क्योंकि पॉल्यूशन जो है वो कंटामिनेंट्स का है, इंट्रोडक्शन इन द नेचुरल एनवायरनमेंट, और उसकी वजह से एडवर्स चेंजेस हो जाएंगे इन द एनवायरनमेंट. और इस चेंजेस की वजह से ये इरिवर्सिबल चेंज है और रिवर्सिबल चेंज भी हो सकते हैं. और पॉल्यूटेंट्स की वजह से एनवायरनमेंट को नुकसान है, और एनवायरनमेंट को जब नुकसान है तो उसका असर सब लोगों पर पड़ेगा. तो कोई एक क्यों हर्जाना भरे, दूसरे क्यों उसका नुकसान झेले? पॉल्यूशन किसी और ने किया, इस व्यक्ति ने, ए ने, और इसने जो पॉल्यूशन किया उसकी वजह से बी सी डी ई एफ सो ऑन, क्योंकि ग्लोबल इशू है, सब पर इसका असर होगा. तो एक व्यक्ति के वजह से या एक इंडस्ट्री या एक बिजनेस हाउस, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, उसकी वजह से उसने पॉल्यूशन किया अननेसेसरली, और उसका वजह से एनवायरनमेंट जो है गंदा हुआ, पॉल्यूट हुआ. तो अब जो एनवायरमेंटल कानून है, हमारे लॉज हैं, वो ये कहते हैं कि इस ए को हर्जाना भरना होगा, और डबल हर्जाना भरना होगा. ओके, पहला तो जितने भी लोग कंसर्न हैं, ये सारे लोग, इनको जो पॉल्यूशन से नुकसान हुआ उसका असेसमेंट करो, यानी जो पब्लिक हुआ को नुकसान हुआ उसकी भरपाई कीजिए. और दूसरा, जो पर्यावरण को नुकसान हुआ उसको रिस्टोर करने के लिए पहले जैसा, ठीक है ना. हालांकि पहले जैसा तो रिस्टोर नहीं किया जा सकता, असंभव है, लेकिन फिर भी जितना हो सके उसको रिस्टोर करने में जो खर्च आएगा वो भी यही देगा. ओके, सो एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का इन द केस ऑफ एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था पॉल्यूशन इज सिविल रॉन्ग, ये पूरी नागरिक के लिए, पूरी मानवता के लिए, पूरे समाज के लिए यह खराब हरकत है, गलत हरकत है. ओके, और इसकी वजह से जो पूरी कम्युनिटी एज ए होल, उन सब पर असर पड़ता है. ठीक है, सो ए पर्सन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ए पर्सन देयर फॉर हु इज गिल्टी ऑफ काउजिंग पॉल्यूशन हैज टू कंपनसेट फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ डैमेज काउज टू द इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी. सो व्हाट यू विल राइट इन द पॉल्यूटर स्पेस प्रिंसिपल, आई विल मेक यू द डिफिनेशन, आई विल राइट द डिफिनेशन हियर. पहले आप लोग कंसेप्ट को समझ लीजिए, कंसेप्ट को समझे स्टूडेंट्स आप, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल क्या कंसेप्ट है, कि जो गंदा करेगा वही साफ करेगा, और उसकी गंदगी से जो अफेक्टेड हुए उनको भी हर्जाना देगा. मेरी आवाज आ रही है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको? यस सर. ओके,
इसको कैसे लिखोगे आप? इसको लिखोगे, आपको मैं लिखवा देता हूँ, ये वीडियो जब अपलोड होगा तो उसको भी आप फॉरवर्ड बैकवर्ड करके लिख सकते हो। ओके, सो इट स्टेज इन एनवायरमेंटल लॉ, लॉ द पॉल्यूटर principal has been enacted to make the party responsible for producing pollution, to pay for the damage done to natural environment. So this will be the definition. Environmental law, the polluter pays principle has been enacted. हाँ हाँ In environmental law, the polluter pays principle has been enacted to make the party responsible for. Sir, Hindi mein boliye please. Vicky Raj. To class wahan exam mein kaise likhoge? Hindi mein likhoge? MSc ka exam Hindi mein hota hai? मैं तो भैया इंग्लिश में ही पढ़ा पाऊंगा और इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स करके बता पाऊंगा ज्यादा से ज्यादा। कंप्लीट हिंदी 100% हिंदी मैं प्रणाम करता हूँ हिंदी को, नहीं हो पाएगा। सर डन टू के बाद क्या लिखा हुआ है? In environmental law, the polluter pays principle has been enacted to make the party responsible for producing pollution, to pay for the damage done to the natural environment. ओके, चूंकि जो पर्सन गिल्टी है पॉल्यूशन को काउज करने के लिए उसी को उसका भरपाई करना चाहिए, जिसने पॉल्यूशन किया उसी को कंपनसेट करना चाहिए इन द नियम, नहीं तो कोई भी आके पर्यावरण का दोहन करके खूब सारा इकोनॉमिक एक्टिविटी करके पैसा कमा के खूब सारा धुआं उत्सर्जन करके जंगल का फॉरेस्ट वोरेस्ट काट के उसका पैसा खुद के जेब में लेके शेर चीता भालू को मार के उसका पैसा छप कमा के फिर चला जाएगा वो, बाकी लोग उसका हर जाना भुगतेंगे, पूरा समाज भुगतेगा, देश भुगतेगा उसका। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, इन्होंने कह दिया नहीं, जिसने डैमेज किया है उससे भुगतान किया जाएगा जहां तक संभव होगा। ठीक है, तो इसमें हमको कानूनी प्रावधान भी इसके हासिल हो गए, देश के संविधान में कानूनी प्रावधान है इसके। तो पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल यही कहता है, ठीक है, जो भी नेचुरल एनवायरनमेंट को डैमेज हुआ, डन टू जो भी डैमेज हुआ
उसका हर्जाना उसी से वसूलो जिसने किया। ओके, सो आप आसान शब्दों में इसको कह सकते हैं कि पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल इज द कॉमनली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस दैट दोज हु प्रोड्यूस पॉल्यूशन शुड बियर द कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग इट टू प्रिवेंट डैमेज टू ह्यूमन हेल्थ और द एनवायरमेंट। ओके, फॉर एग्जाम्पल समझिए कि जैसे कोई फैक्ट्री है, इफ ए फैक्ट्री प्रोड्यूसेस ए पोटेंशियली पॉइजनस सब्सटेंस एज बाय प्रोडक्ट ऑफ इट्स एक्टिविटीज, इट इज यूजुअली हेल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट सेफ डिस्पोजल। जिस सपोज कि फैक्ट्री को किसी एक केमिकल का जो वो प्रोड्यूस करता है या वेस्ट जनरेट करता है, कोई फैक्ट्री उसमें जो वेस्ट जनरेट होता है वो वेस्ट केमिकल से भरा हुआ है और उस वेस्ट का सेफ डिस्पोजल डिस्पोजल होना चाहिए, लेकिन वो सेफ डिस्पोजल ना करके उसको खुली नदी में बहा दिया। फॉर एग्जाम्पल मान लो, तो अगेन समबडी कैमरा इज ओपन। मुझे क्लास बंद लॉक करना ही पड़ेगा, नहीं तो पढ़ाई नहीं पाएगा, पूरा ऐसे ही चलते रहेगा, आएगा जाएगा, कैमरा ओपन हो गया तो मेरा पेन चलेगा ही नहीं। जब तक कैमरा ऑफ नहीं करेगा पेन नहीं चलेगा बेटा। चलो ऑफ तो किया। सर यदि कोई सोसाइटी में सर पॉलिथीन जला देता है तो उसके लिए क्या एक्शन लेना पड़ेगा सर, कोई लॉ है उसके लिए? सोसाइटी में पॉलिथीन जला देता है ना, कानून है उसका, तो जलाया उसको पकड़ो, है ना। और अभी धारा बताएंगे आपको कौन सा लगेगा उसके ऊपर, बड़ा क्राइम है ये। सोचो आज आप लोग इसी ऑक्सीजन के लिए फिर आगे आने वाले लोग पैसा देंगे, जनरेशन खर्च करेंगे इस ऑक्सीजन को पाने के लिए। ये ऑक्सीजन ही नहीं जलता है, उसके साथ सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2, सल्फर H2S, और भी बहुत सारे ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट ऑफ द हाइड्रोकार्बन, और ये आपका पॉलीमर जो प्लास्टिक का है उसके भी कई सारे ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट्स, ये सब निकलते हैं जलने से। तो पहले शुद्ध हवा था, उसमें जला करके ये सब ऐड कर दिया, अब वो कहीं ना कहीं तो रहेगा, पूरा वातावरण में फैल गया, इसलिए उसका जो हर एक पॉइंट पर उसका आपको इफेक्ट कम दिखता है, लेकिन पूरा एटमोस्फेयर में फैल गया वो पॉइजनस सब्सटेंस। इस सब पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आप देखोगे मुंगेर के बाहर, मैं आजकल यहाँ जाता हूँ हेरू दियरा, और उधर पहले पूरा ग्रीन रहता था हेरू दियरा, वहाँ जो कनेक्ट होता है आपका भागलपुर पटना, पहले पूरा ग्रीन रहता था, या आपका साफियाबाद से हेरू दियरा वाला जो रोड जहाँ से अलग होता है, अभी वहाँ पर पूरा पॉलीथीन का कचरा जो शहर भर का वो सब डंप कर दिया गया, तो वो एनवायरनमेंट का जो लॉस कर दिया, नगर पालिका ने लॉस किया। यहाँ पर पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल लागू होना चाहिए। किसका नुकसान हुआ? मुंगेर शहर वासियों का नुकसान हुआ, उनके शहर के बाहर जो ग्रीन इलाका था, वेट लैंड था, दलदली क्षेत्र हैं, वो सब दलदली क्षेत्र भी गायब होते जा रहे हैं धीरे धीरे। ओके, दलदल था पहले सारा, तो और उसमें पॉलिथीन और ये कचरा भर के उसका लैंड रिफिल कर रहा है, तो वो जो चला गया वो फिर चला गया, वो बहुत बड़ा लॉस है। जो इतिहास लिखा जाएगा तो उन लोगों के हिसाब से इन लोगों को जिसने ये किया है बर्बादी, उनको सूली पर लटका देना चाहिए, वो ये लिखेंगे, उस समय इन्हें फांसी दे देना चाहिए था, और होगा बाद में आगे चल के भविष्य में कि जो पोल्यूशन फैलाएगा उसको फांसी पर चढ़ा दो, नहीं तो नहीं होगा, पर्यावरण का सुधार होना है, दुनिया नष्ट हो जाएगी, लोग आपस में लड़ लड़ के बाद में मरेंगे और तब दुनिया नष्ट हो, उससे पहले पर्यावरण के नुकसान की वजह से नष्ट हो जाएगी।
ठीक है। तो अब देखिए ये पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल कितना इम्पोर्टेंट है। अब इसके आने से कुछ तो डर बैठेगा, और वो जैसे एक फैक्ट्री है पोटेंशियली पॉइजन, अभी एग्जांपल के माध्यम से समझा रहे थे आपको, अगर किसी पॉइजनस सब्सटेंस को निकाल रहा है जो बाय प्रोडक्ट ऑफ इट्स एक्टिविटी, तो उस फैक्ट्री को रेस्पॉन्सिबल बनाया जाएगा उसके सेफ डिस्पोजल के लिए। अगर सेफ डिस्पोजल नहीं करता है तो पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल के अनुसार उसके, मान लो कि उसने रिवर बॉडी में पॉल्यूटेड वाटर डिस्चार्ज कर दिया, उस रिवर पर डिपेंडेंट जो गांव के लोग हैं उनको जो हेल्थ को नुकसान हुआ उसकी जिम्मेदारी आयद होगी इस फैक्ट्री पर। हालांकि ये कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, कैसे उसको कितना बनता है उसका हर जाना, इसको कैलकुलेट करना ये नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल और कोर्ट करेगी तय। हालांकि कोर्ट को ये सब मामलों से बचाने के लिए ही नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का गठन हुआ था 2010 में, लेकिन फैक्ट्री पर जब जुर्माना होगा तो बहुत हैवी जुर्माना होता है इस सब केस में। इतना जुर्माना हो जाता है कि उसको फैक्ट्री बंद करने की भी नौबत आ जाती है। तो इसका जो आपका पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल है ये एक्चुअली इन सिद्धांत में बहुत पहले ही आ गया था 1990 में ही, लेकिन 1992 का जो ये रियो कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें इसको एडेप्ट कर लिया गया। ठीक है, तो दिस इज अबाउट पॉल्यूशन। हमारे देश का ये कानून है सर, 2003 में किसका गठन किया गया सर? नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल NGT, लास्ट क्लास में पढ़ाए थे या? ठीक है सर, वाले थे शायद। NGT का गठन हुआ था। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी जो है पॉल्यूटर्स पेज प्रिंसिपल को मान्यता देती है, एंड इट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है इसको एब्सोल्यूट लायबिलिटी फॉर हार्म टू द एनवायरनमेंट के रूप में इंटरप्रेट करती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंटरप्रेटेड पोल्यूटर्स पे प्रिंसिपल एज द एब्सोल्यूट लाइबिलिटी फॉर हार्म टू द एनवायरमेंट। ओके, एंड इट एक्सटेंड्स नॉट ओनली टू द टू कंपनसेट द विक्टिम्स ऑफ पॉल्यूशन बट ऑल्सो द कॉस्ट ऑफ रिस्टोरिंग द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। यानी ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि सारी जिम्मेदारी आयद होती है उस एजेंट की, उस सोर्स की जिसने ये पोल्यूशन फैलाया, टोटल जिम्मेदारी, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं, पब्लिक का कोई उसमें दोष नहीं है। जिसने किया है वो फैक्ट्री अगर कहेगा नहीं भैया हमको तो डिमांड था प्लास्टिक के खिलौने बनाने का, इसलिए मैंने बहुत सारा प्लास्टिक बनाया और फिर इतना पॉल्यूशन किया, कुछ नहीं बनाए तो बनाए, फिर उसको वेस्ट को डिस्पोज करना था आपको, तो पब्लिक का भी कोई जिम्मेदारी नहीं, सरकार का भी नहीं, सारी जो जिम्मेदारी है वजह है उसी फैक्ट्री पर आयद होगी, उसी को लायबल माना जाएगा, लायबिलिटी उसी पर होगी, और सार एनवायरनमेंट को जो नुकसान पहुंचाने का जो लायबिलिटी है वो भी उसी पर आएगा, और जो उससे जिनको नुकसान हुआ है, जो विक्टिम है, जो भुक्तभोगी है, जिन लोगों को, उन लोगों को भी कंपनसेट वही करेगा, और एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन को रिस्टोर करने का जो कॉस्ट है वो भी वही वहन करेगा जो पॉल्यूटर है। पॉल्यूटर विल बियर दीज टू कॉस्ट्स। और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आपका जो है, लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, यह भी एम्पावर करता है गवर्नमेंट को इस एक्ट के तहत जो प्रावधान है उसके अनुसार, इट एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू टेक ऑल सच मेजर्स एज इट डीम्स नेसेसरी फॉर एक्सपीडिएंट फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द एनवायरनमेंट।
दिस एक्ट एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू टेक ऑल दोज मेजर्स, ऑल दोज नेसेसरी मेजर्स, ठीक है, जिसके वजह से उन सारे उपायों को उठाने के लिए गवर्नमेंट को शक्तियां प्रदान करता है, जो उपाय, जो भी उपाय हो, उन सारे उपाय जो भी सरकार ले, हाँ उस उपाय से हमारा एनवायरनमेंट का क्वालिटी इंप्रूव होना चाहिए, हाँ वो उपाय, वो सारे उपाय सरकार ले सकती है, इस प्रावधान में शक्ति मिली हुई है, पावर है, एम्पावर है। तो अब इस प्रावधान के तहत जो अभी पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल जो है अडेप्ट हुआ भी नहीं है, 92 के बाद अडेप्ट होगा वो, समझे, लेकिन सरकार को पहले से ही शक्तियां मिली हुई है ईपीए एक्ट के तहत कि कोई भी कदम उठा सकता है, तो अब ये भी कदम उठा सकता है, हालांकि बाद में आया। तो अब ईपीए के तहत पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल, हालांकि इसका क्रियान्वयन जो है बहुत कम हो रहा है, बट कानून में है, समझे। सो इसके द्वारा हम एनवायरनमेंट के कॉस्ट और जो कि है डायरेक्ट कॉस्ट, जो पीपल और प्रॉपर्टी का कॉस्ट है, और एनवायरनमेंट का कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट हो गया एक डिग्रेडेशन से, जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको जो नुकसान हुआ और जो एनवायरनमेंट को नुकसान हुआ, दोनों को वसूल किया जाए इस पॉल्यूटर से। So it means that the polluter should bear the cost of pollution as the polluter and the cost of environment degradation as it has degraded it. So the polluter is responsible for it. So they will bear the cost. Polluter will bear the cost. आई बात समझ में student? Yes, sir. One second. Okay, students, polluter pay principle को Rio Declaration 92 में जगह मिली, इसको स्थान मिला, ठीक है, और ये प्रिंसिपल 16 ऑफ द डिक्लेरेशन प्रोक्लेम्स ऑफ द नेशनल अथॉरिटीज के रूप में यह स्वीकार किया गया। सर क्या बोले सर, दोबारा बोलिए सर। रियो डिक्लेरेशन 92 में पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल को अडेप्ट किया गया, समझे, 92 में पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल कब आया बोलोगे, 92 में, समझे, रियो डिक्लेरेशन में इसकी ये टेबल पर रखा गया कि हम क्यों ना ऐसा करें। सारे देश के लोगों ने यहाँ पर प्रस्ताव रखा गया, हर कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव थे कि आपके कंट्री, क्योंकि पॉल्यूशन जो है ग्लोबल कंसर्न है, आपके यहाँ जो पॉल्यूशन होगा वो हमको भी इफेक्ट करेगा और हमारे यहाँ जो पोल्यूशन होगा वो आपके यहाँ इफेक्ट करेगा, हर कंट्री का अपना अपना लॉ है, तो क्यों ना हर कंट्री अपने अपने लॉ में इसको इंक्लूड करे कि जो पोल्यूटर होगा वही हर्जाना भरेगा और डबल हर्जाना भरेगा, जिसको नुकसान हुआ उसका, और पर्यावरण का नुकसान का भरपाई का उसका अलग। 1993 में रियो डिक्लेरेशन में टेबल पर रखा गया और इसको एक्सेप्ट कर लिया गया, मतलब सभी लोगों ने अपने मत से, हाँ बहुत सही कंसेप्ट है कि जो करेगा वही भरेगा और डबल भरेगा, समझ में आया? Yes, sir. सिंपल बात है ना, इतना इसमें क्या समझना। अब देखो सारे देश लोग सर रियो में आएंगे सर, हाँ सबके रिप्रेजेंटेटिव, रियो डी जेनेरो कहाँ है, ब्राजील में, और ब्राजील को जी सर एक क्या कहा जाता है, ब्राजील को लंग ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का फेफड़ा है, हाँ ये बात अलग है, टेक्निकली लंग ऑफ द वर्ल्ड शुड बी कॉल्ड पैसिफिक ओशियन, वर्ल्ड का 30% ऑक्सीजन जो अर्थ पर जो जनरेट हो रहा है
दैट इज इन पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर में, और अमेजन फॉरेस्ट से भी बहुत ज्यादा हमको ऑक्सीजन मिलता है, वो भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। लेकिन दुख की बात यह है कि अमेजन फॉरेस्ट प्रतिदिन 4 बड़े ओलंपिक फुटबॉल मैदानों के बराबर, 4 नहीं 20 बड़े ओलंपिक के फुटबॉल मैदान के बराबर और अमेजन रेन फॉरेस्ट प्रतिदिन साफ हो रहा है। तो एक दिन अमेजन फॉरेस्ट साफ हो जाएगा, उसमें रहने वाली बायोडायवर्सिटी खत्म हो जाएगी। सर कम से कम 5 इयर्स पहले ही नोटिस सर ये पेपर में दे दिया गया था कि जो है ना आने वाले समय में ना पूरा ऑक्सीजन घट जाए, घर से लोग ना ऑक्सीजन लेकर के निकलेंगे, और ये बात सत्य होते हुए नजर आ रही सर। 8 साल पहले नहीं, बहुत साल पहले ही बोल, ऐसे चलते रहा तो हो जाएगा। बहुत पहले ही सर। पॉल्यूटेड पेज प्रिंसिपल जो है इसमें अगर इसका जब आंसर लिखोगे तो ये भी लिखोगे कि एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें, द पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल एक्सपोजेड द पॉल्यूटर टू फोल्ड लायबिलिटी, बताया ही अभी आपको, कंपनसेशन नंबर 1, कंपनसेशन टू द विक्टिम्स ऑफ द पॉल्यूशन, देख रहे हैं। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, 1987 में हुई थी, कब हुई थी भोपाल गैस त्रासदी, 84 में, yes, हुई sir. भोपाल गैस त्रासदी, हाँ 84 में हुआ, हाँ 84, ठीक है। तो आप देखिए कि 84 में क्या कानून रहे होंगे, जो उस गैस त्रासदी से जो लोग मारे गए उनको कोई कंपनसेशन मिला होगा इस पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल के आधार पर। पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल तो 92 में आया, हालांकि इसका 1986 में कानून बना आया, लेकिन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया, जो सारी शक्तियां प्रदान करती है, और इसके पहले हो गया भोपाल गैस ट्रेजेडी, इसीलिए ये सब कानून बना था, समझे, कि जो पोल्यूशन किया उसको पकड़ो, उसको कानूनी रूप से जिम्मेदार बनाओ ताकि कोर्ट भी उसको सजा दे सके। अब वो कोर्ट में जाके बच जाएगा, कोई कानून नहीं है इससे संबंधित, वो कहेगा कि भाई गलती से मिस्टेक हो गया, भूल हो गई, मानवीय भूल है, जानबूझ के नहीं किया, अब क्या करोगे, तो कोई कानून है नहीं। अब कानून ऐसा बन जाए जिसमें रहे ही है भी जुर्माना है इतना साल का, तब वो सब उस पर लागू हो जाएगा। समझ गए बात को, आगे बढ़े हम लोग पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल से, नाउ वी विल एंटर इन नेक्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। व्हाट इट सेज, मिटा रहा हूं इसको, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। देखिए इसका कंसेप्ट को समझिए, जैसे आम बोलचाल की भाषा में या आप एक कॉमन सेंस में भी, जिस चीज के बारे में आपको पता नहीं होता है और आप सशंकित होते हो, खतरा रहता है, डर रहता है, कोई सबूत आपके पास नहीं है, लेकिन उस को कर देने की वजह से नुकसान बड़ा होगा, तो आप वो काम नहीं करते, समझे। जैसे बोल दे कोई किसी को, रात का अंधेरा है, जा रहा है पगडंडी पर, मोबाइल और टॉर्च और कुछ नहीं लायक में, उधर से कोई आदमी आए भागते हुए, बोले मत जाना उधर, मत जाना, वहां एक मोटा सांप बैठा हुआ है रोड पर, लेटा हुआ है, मत जाना, मतलब भाग रहे हैं। तो ये आदमी भी जो है
इसकी बात में आकर इधर भाग जाएगा, ये भी भाग जाएगा, और वाइज डिसीजन होगा इसका कि जिस चीज के बारे में पता नहीं है हमें, ज्यादा एविडेंस नहीं है लेकिन संभावना है कि उधर वो काम कर देने से बड़ा नुकसान हो सकता है, तो वह अपने डिसीजन को फिर चेंज कर लेगा। समझ रहे बात को? यानी इसको प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल जो है, प्रिकॉशन मतलब सावधानी, परहेज, ठीक है। जब जानकारी का अभाव हो तो लोग परहेज करें, ठीक है। तो जैसे प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल कह रहा है कि अगर डेवलपमेंटल प्रोसेस जो है वह सस्टेनेबल नहीं है, अगर मान लिया जाए, यानी यह खत्म हो जाएगा जो रिसोर्सेज यूटिलाइज कर रहे हैं। जैसे कोई एक माइन है, कोल का माइन या ऑयल फील्ड, तेल कुएं का या सोने की खदान है, चाहिए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो कहेगा कि ये फ्यूचर जनरेशन के लिए भी इसको बचा के रखना है, इसलिए कम कम खर्च करो, कम निकालो कोयला, कम सोना निकालो, कम तांबा निकालो, आगे के जनरेशन के लिए बचा के रखो। लेकिन आप चाहे कितना भी निकालें, कम या ज्यादा, यह इसको एक दिन खत्म होना है, क्योंकि आप निकाल रहे हैं उसको, वो पहले डिपॉजिट्स के रूप में थे, विज्ञान इतना विकास नहीं किया था, धरती के गर्भ में वो सब छुपे हुए थे, और जब लोगों को पता चला इसका यूटिलिटी, उन्होंने उसको माइनिंग कर रहे हैं, उनका सप्लाई जो है लिमिटेड है। रजनी गुप्ता, यू आर नॉट लिसनिंग, अगेन एंड अगेन यू आर अनम्यूटिंग योर सेल्फ, आई विल रिमूव यू। सर आई एम लिसनिंग टू यू सर। अपने माइक को म्यूट क्यों नहीं करते हो? ओके सर। क्या आप बोलोगे अभी, आप पढ़ाओगे? अभी तक आप म्यूट नहीं किए हो। हटा दें ग्रुप से। You don't know how to. I'm removing you. I can't wait for 10 minutes. तो एक ना एक दिन यह जो स्टोर है वो अवश्य खत्म हो जाएगा, चाहे कम निकालें चाहे ज्यादा निकालें। ज्यादा निकाले तो जल्दी खत्म हो जाएगा, कम अगर निकाला यह सोच करके कि आगे वाले जनरेशंस को भी हम ये प्रदान करेंगे, तो हो सकता है आगे नेक्स्ट दो जनरेशन को प्रदान हो जाए, लेकिन तीसरा चौथा जनरेशन वंचित हो जाएगा, आगे या उसके आगे भी वंचित हो जाए, कोई ना कोई वंचित होगा, क्योंकि ये जो रिसोर्सेज है वो फाइनाइट रिसोर्सेज है, आप इनफाइनाइट रिसोर्सेज नहीं है, उनका डिप्ली उनका खत्म होना है। समझ रहे बात को? तो इन तो बहुत सारी जो एक्टिविटी चल रही है, उन अगर प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, एक तो ये हो गया, और इन प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में जो कार्बन उत्सर्जन हुआ, वो सिर्फ कार्बन उत्सर्जन ही नहीं, इन प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में प्राकृतिक संसाधनों का जो नुकसान हुआ, जैसे कि जंगल, जमीन, वो, और हवा दूषित हुई वो, क्योंकि जो अंदर से निकला कोयला या तेल या कोई और पदार्थ, उसको निकालने में या उसको फिर बाद में यूटिलाइज होने में हवा भी प्रदूषित हो गई वो, तो ये सारे जो चेंजेज हैं वो एनवायरनमेंट को, हमारे पर्यावरण को बर्बाद कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, और सबका लिटिल लिटिल, थोड़ा थोड़ा, स्मॉल स्मॉल कंट्रीब्यूशन एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाने में है। स्मॉल इसलिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि स्मॉल सच में स्मॉल, बड़ा कंट्रीब्यूशन एनवायरनमेंट को बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन स्मॉल यहाँ पर कहने का मतलब हुआ
तो एनवायरमेंट को बर्बाद करने वाले, उसको डिग्रेड करने वाले इतने सारे फैक्टर्स हैं, इतनी सारी एक्टिविटीज हैं, यह भी जो है सो छोटा पड़ जाता है। सब मिल करके एनवायरमेंट को एक बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। सो इट बिकम्स इम्पॉसिबल फॉर अस टू डिटरमाइन प्रिसाइजली व्हाट इफेक्ट्स द एक्टिविटी एंड व्हाट इफेक्ट्स इट विल हैव ऑन द क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट और ऑन ह्यूमन हेल्थ। सपोज If an activity is suspected that कि अगर हम ये करेंगे तो एनवायरमेंट का नुकसान हो जाएगा। सपोज if a हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज established इन a पर्टिकुलर एरिया, देन द प्रोजेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट विल आस्क व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट, प्लीज असेस इट, एंड इट विल से सर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट क्या है सर? हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट नहीं पता है, कौन है भैया, नाम बताइए। तो किसने पूछा? सर प्रोजेक्ट भारद्वाज सर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट नहीं पता आपको? पन विद्युत परियोजना पता है हिंदी में? यस सर। जल विद्युत परियोजना? यस सर। नंगल डैम, ये सब डैम में पानी जमा करके यस सर पानी छोड़ते हैं और पानी की गति से टरबाइन घूमता है, टरबाइन जो है मोटर को घुमाता है, मोटर जो है डायनमो को, टरबाइन जो है डायनमो को घुमाता है, डायनमो में चुंबक लगा रहता है, चुंबक के चारों तरफ क्वाइल रहते हैं कॉपर के, तो चुंबक के घूमने से क्वाइल के बीच में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तीन लॉ है। या अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करना पड़ेगा एक क्वाइल को, तो उस क्वाइल में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय